नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम एस एन स्टडी। आज रोज मार्क्सिट डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि ये जो मार्क्सिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेड्यूल है वो कौन से ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जिस भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन 2020 में फर्स्ट ईयर बीकॉम में लिया था और 2023 में उन लोगों ने सीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की एग्जाम दे दी और उनका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है, और उन सभी स्टूडेंट्स का ये मार्कशीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल है ये आया है। फिलहाल सेकेंड ईयर बीकॉम के मार्कशीट की जो हार्ड कॉपी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो आज उनका जो मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं उन सभी को बता दूं कि स्टूडेंट्स को कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट दी गई डेट पे कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो उनको क्या करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट से स्किप हो जाती है दी गई डेट, तो वो लोग एवरी थर्सडे हर गुरुवार के रोज जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है वहाँ से उनकी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं, और एवरी थर्सडे हर गुरुवार 12 से 1 के बीच में आके अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड बात कि कोई भी स्टूडेंट अगर मार्कशीट लेने खुद नहीं आ सकता है तो उसको क्या करना है। अगर उसका कोई फ्रेंड या फिर उसका कोई नेबर या फिर उनके फैमिली में से उनके मम्मी या पापा अगर आना चाहते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट है उसको अथॉरिटी लेटर लिख के देना होगा उसके रिगार्डिंग जो मार्कशीट लेने जा रहा है उस पर्सन को। अथॉरिटी लेटर में ये लिखना होगा कि मेरा नाम पंकज जायसवाल है, आप आपका नाम लिखना, मेरा नाम पंकज जायसवाल है और मैंने एडमिशन FY बीकॉम में 2020 में लिया था और मेरा जो TY बीकॉम मैंने पास आउट 2023 में कर दिया है, और मेरा इस ईयर का जो मार्कशीट है उसका जो डेट है इस दिन है, लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर आ नहीं सकता हूँ, तो मैंने इस पर्सन को, उस पर्सन का आप वहाँ पर नाम भी मेंशन करना, इस पर्सन को मार्कशीट लेने के लिए भेजा है तो आप इनको मार्कशीट दे दो। तो ये अथॉरिटी लेटर लिखना रहेगा, और अथॉरिटी लेटर में आपका PRN नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका पूरा नाम, और जो भी पर्सन आपकी मार्कशीट लेने जाता है तो उस पर्सन को आप बोल देना कि उस पर्सन का आधार कार्ड वो साथ में लेके जाए ताकि फैकल्टी वेरीफाई करके उसको आपकी बिहाफ पर मार्कशीट दे सके। तो इतनी प्रोसेस है, और जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर बीकॉम 2023 में पास आउट हुए उनके लिए ये मार्कशीट का शेड्यूल का जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर किया गया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सेकंड ईयर बीकॉम की मार्कशीट का शेड्यूल अभी आया है और थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अक्टूबर तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी सभी स्टूडेंट्स तक जाए इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी बिजी हूँ, फिलहाल एम एस यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन की प्रोसेस चालू है तो बहुत सारे कॉल, इंक्वायरी और मैसेज आते हैं, तो आप सभी से मैं सॉरी भी कह रहा हूँ अगर किसी का कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन की जो अपडेट है मैंने आप सबके सामने क्लियर कर दी कि अगर आप नहीं आ सकते तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। अगर मिस हो जाती है, डेट स्किप हो जाती है, आप जिस डेट पर नहीं जा सकते हो, तो हर गुरुवार एवरी थर्सडे 12 से 1 के बीच में आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। नमस्कार।